जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि यहाँ पर महिला पर्यवेक्षक के 440 पदों पर भर्ती वैकेंसी निकल कर आई है। देखिए अभी यहाँ पर बारिश हो रहा है, तो बारिश की वजह से अगर उसका कोई भी डाउट बैकग्राउंड अगर हम कोई साउंड आता है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर जो सिलेबस के बारे में, जो कि 440 पदों पर महिलाओं के लिए भर्ती वैकेंसी विज्ञापन जारी किया गया। हाल ही में अभी मैं वीडियो में बताया था कि जो इसका कितने पदों पर वैकेंसी है, वेतनमान कितना होगा, सिलेबस क्या होगा, कौन कौन फॉर्म भर सकते, ये मैंने आपको पूरी जानकारी बता दिया है। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया, जाके आप देख लीजिएगा। और ये आज का जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ महिला सुपरवाइजर के लिए, जो कि 440 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया था, उसका सिलेबस से संबंधित, जो कि जो सिलेबस है बिल्कुल डिफरेंट अंकों का है। सिलेबस आपका सेम देखने को मिलेगा, बल्कि जो अंकों का है उसमें डिफरेंट रहेगा। तो जैसे कि हम आगे देखेंगे जो सिलेबस में कैसे कैसे हैं और किस नंबर से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो सिलेबस के बारे में आइए जानते हैं। अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर तो जल्दी से जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर आप लोग इस महिला पर्यवेक्षक की तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, जाकर उसको क्लिक कर लीजिएगा। मेंबरशिप के माध्यम से आपको सीक्रेट यानी कि आपको प्राइवेट वीडियो मिल जाएगा, यानी कि आपको पर्सनल वीडियो मिलेगा, जो आपको जो भी चैट है, जो भी आप चैट वैट कर सकते हैं, जो भी डाउट है क्लियर कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो चलिए आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं महिला संबंधित जो भी पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर के बारे में, उससे सिलेबस से संबंधित। महिला पर्यवेक्षक का हम जो सिलेबस देखने जा रहे हैं, जिनमें सिलेबस सेम है बट डिफरेंट है अंकों का, तो चलिए हम देखते हैं सिलेबस क्या होगा, कैसे तैयारी करना है महिला पर्यवेक्षक का, जिसका 440 पदों पर भर्ती वैकेंसी का विज्ञापन जारी किया गया है। केवल उन महिलाओं के लिए है जो कार्यकर्ता आंगनबाड़ी व महिलाओं के लोग के लिए, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस का। तो जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि देखिए परिसीमित सीधी भर्ती, उसी प्रकार आपका है खुली सीधी भर्ती, तो दोनों में पूरा डिफरेंट अलग है अंकों का, लेकिन सिलेबस सेम रहेगा। इसीलिए मैं यह टॉपिक वीडियो लेकर आया हूँ सिलेबस से संबंधित, आपको कैसे तैयारी करना है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं खुली सीधी भर्ती के बारे में, जिसका 200 पदों पर भर्ती विज्ञापन है। उसी प्रकार परिसीमित सीधी भर्ती का 220 पद, टोटल मिलाकर दोनों का आपका हो जाएगा 440 पद, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जो खुली सीधी भर्ती है वो माई लोकन मन के लिए है, जबकि जो परिसीमित सीधी भर्ती है आपका कार्यकर्ता आंगनबाड़ी के लिए, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले भाग वन के बारे में, जिसका महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित जो योजनाएं हैं आपका 40 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। उसी प्रकार आपका भाग टू में सामान्य ज्ञान मानसिक योग्यता व सामान्य ज्ञान से संबंधित जो आपका 80 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, 80 अंकों का, ठीक है। इसमें देखिए जो 200 अंकों का जो नंबर रहेगा, जिसमें 100 अंक रहेगा, ठीक है, 100 प्रश्न रहेंगे और 200 नंबर रहेगा, यानी कि प्रत्येक एक नंबर एक अंक पर प्रत्येक प्रश्न एक पर दो अंक रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए उसी प्रकार भाग तीन में आपका हिंदी छत्तीसगढ़ भाषा से आपका 30 नंबर रहेगा। उसी प्रकार भाग चार में अंग्रेजी का विषय है, जिसमें 20 अंकों का रहेगा। भाग पाँच में गणित में आपका 30 अंकों का रहेगा, यानी कि टोटल अगर आप मिलाएंगे तो आपका 200 अंकों का होगा, जिसमें 100 प्रश्न रहेंगे, ठीक है, 100 प्रश्न रहेंगे 200 अंकों का, ठीक है। यह आपका होगा खुली सीधी भर्ती से संबंधित। उसी प्रकार आपका परिसीमित सीधी भर्ती से संबंधित रहेगा, जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले भाग एक में देखिए महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित जो योजना है आपका भाग एक में 120 अंकों पर रहने वाला है। डिफरेंट क्या पता है आपको, देखिए 120 अंक इसमें पूछा जा रहा है, जबकि 40 अंक इसमें पूछा जा रहा है। कितने का अंतर है, 120 और 40 में अगर हम माइनस करेंगे तो 80 अंकों का अंतर है। कितने अंकों का अंतर है, 80 अंकों का। मतलब आपको इसमें ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, डीप पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, डीप पढ़ना पड़ेगा, यानी कि 120 अंक इसमें पूछा जा रहा है, जबकि 40 अंक खुली सीधी भर्ती में पूछा जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसी प्रकार हम बात करें भाग दो में, यानी कि सामान्य ज्ञान और मानसिक योग्यताएं से संबंधित, जिसमें 30 अंक प्रश्न पूछा जा रहा है, इसमें कितना पूछा जा रहा है, 80। तो अगर 80 में हम 30 अंक घटा देते हैं कितना का आ रहा है आपका, 50 अंक। 50 अंक इसमें फायदा है आप लोगों का खुली सीधी भर्ती में, जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में 120 अंक वाले में फायदा है, जबकि इसमें कितना पूछा जा रहा है, 40।
उसी प्रकार हिंदी और छत्तीसगढ़ भाषा में आपका रहेगा 20 अंक, भाग चार में 10 अंक। 10 अंक किस में दिया जा रहा है आपका, यहाँ पर अंग्रेजी में। अंग्रेजी में आपको कितना पूछा जा रहा है 20, जबकि यहाँ पर 10। गणित में कितना पूछा जा रहा है 30 अंक, जबकि यहाँ पर कितना पूछा जा रहा है 20 अंक। यानी कि परिसीमित सीधी भर्ती में पूरा डिफरेंट है सिलेबस में, बल्कि आपका अंकों में सिलेबस है। ठीक है, अंकों में आपको सिलेबस है, इसमें सबसे ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा 120 अंक वाले में। यानी कि महिला एवं बाल विकास से संबंधित जो भी योजना है, तो हमारे YouTube चैनल पर बिल्कुल फ्री और रिकॉर्डेड क्लास कराया जाएगा। अगर आप मेंबरशिप चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर बिल्कुल मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, ये भी आपका 220 पद है और ये भी आपका 220 पद है, यानी कि टोटल आपको मिलाकर 440 पदों पर भर्ती जो विज्ञापन जारी किया है उनका सिलेबस आपको मैं आपको करा दिया हूँ। अगर आपको डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में डाउट को क्लियर कर सकते हैं।